नमस्कार दोस्तों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं विद इन सेकेंड। इसके पहले जो हम वीडियो डाल चुके हैं उसमें बताया है कि स्क्वायर कैसे निकालें, और इसमें हमें बताना है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें। अगर आप लोग हमारा यह वीडियो एकदम बढ़िया से देख लेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग भी स्क्वायर रूट को जो है विद इन सेकेंड आसानी से निकाल लेंगे। आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं एकदम विद इन सेकेंड आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमारा यह वीडियो पूरा देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1024 को सबसे पहले देखते हैं, अंडर रूट 1024 का मान अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट को विद इन सेकेंड निकालने के लिए पहले कुछ चीजों का जानना आवश्यक है, कुछ चीजों का जानना आवश्यक है। वो चीजें क्या है कि ये जैसे किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 9 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर प्राप्त होगा उस स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होगा, और किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर प्राप्त होगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। इसी तरह होल यूनिट डिजिट कब होगा, जब एक यूनिट डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा, और यूनिट डिजिट 2 वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 4 होगा, और 5 में यूनिट डिजिट 5 होगा, 4 में 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 होगा, और 3 यूनिट डिजिट अगर किसी संख्या का और 7 यूनिट डिजिट है तो 3 वाली संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट स्क्वायर का 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आएगा। चलिए अब देखते हैं कि जैसे 1024 है तो इसका हम स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक पकड़ लेंगे। पीछे से 2 अंक पकड़ने के बाद अब देखना है कि यूनिट डिजिट कितना है। इसमें यूनिट डिजिट 4 है। अब इस सीरीज में देखना है कि यूनिट डिजिट 4 किस किस स्थिति में बनता है। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है या फिर यूनिट डिजिट 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 प्राप्त होगा। इसका मतलब कि ये जो 1024 है इसका वर्गमूल जो होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 8 होगा और या तो 2 होगा। उसका यूनिट डिजिट या तो 8 होगा या तो 2 होगा। उसके बाद फिर हम 10 से निपटेंगे। उसके बाद हम 10 से निपटेंगे। 10 से निपटने के लिए क्या करेंगे कि 10 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 10 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 10 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 9। 10 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 9। अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर या तो ये 3 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, या तो ये 1024 जो है 38 का वर्ग है या तो ये 32 का वर्ग है, या तो 38 का वर्ग है या तो 32 का वर्ग है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये किसका वर्ग है। कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे कि 3 से जस्ट अगली संख्या, 3 से जस्ट अगली संख्या से गुणा कर देंगे तो 3 × 4 कर देंगे। 3 × 4 में 12 आ जाएगा। अब 12 की तुलना करेंगे जो अंडर रूट के अंदर संख्या 10 है, 12 की तुलना जो अंडर रूट के अंदर संख्या 10 है उससे करेंगे। अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या गुणनफल से छोटी तो छोटा वाला स्क्वायर छोटा वाला नंबर होगा, और अगर बड़ी तो बड़ा वाला नंबर होगा। तो इसमें 12 की तुलना 10 से किए तो 10 जो है अंडर रूट के अंदर है और बाहर 12 है, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर वाली संख्या जो 10 है वो छोटी है तो छोटा वाला नंबर होगा। यानी 1024 का वर्गमूल निकालेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 1024 का वर्गमूल आ जाएगा, 1024 का वर्गमूल आ जाएगा 32, 1024 का वर्गमूल 32 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 1225 को, फिर 1369 को देखेंगे, उसके बाद 2209 को, 16129, 44000, 4489, 256, इन संख्याओं को देखेंगे। और इतने एग्जाम्पल में हमें उम्मीद है कि एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगली संख्या 1225 को देखते हैं। 1225 को देखते हैं। अब 1225 को
अंडर रूट में बंद कर देंगे, 1225 को अंडर रूट में बंद कर देंगे। अंडर रूट में बंद करने के बाद क्या करेंगे कि पीछे से दो अंक पकड़ेंगे, पीछे से दो अंक पकड़ेंगे। पीछे से दो अंक पकड़ने के बाद हमें यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है? यूनिट डिजिट, कि यूनिट डिजिट पांच कब कब आएगा, किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पांच आएगा। और सारे नंबर्स में क्या होता है कि दो दो स्थितियां बनती हैं, लेकिन पांच यूनिट डिजिट में पांच ही आएगा, सिर्फ एक ही स्थिति बनती है। तो पांच का स्क्वायर करेंगे तो पांच ही आएगा। तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट पांच होगा। इसके 1225 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट पांच होगा। अब हमें 12 से निपटना है। 12 से निपटने के लिए क्या करेंगे कि 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 9। 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 होता है। और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3। इसका मतलब कि ये 35 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 1225 35 का स्क्वायर है। इसमें दो स्थितियां इसलिए नहीं बनी क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है कि इसमें सिर्फ एक ही स्थिति बनती है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा स्क्वायर में भी, और कोई दूसरी संख्या बनने की संभावना नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये 1225 का स्क्वायर रूट कैसे निकाले हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 1369। अगला एग्जाम्पल है 1369। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले अंडर रूट में बंद कर देंगे। अंडर रूट में बंद करने के बाद पीछे से दो अंक पकड़ना है, पीछे से दो अंक पकड़ना है। पीछे से दो अंक पकड़ने के बाद यूनिट डिजिट देखना, यूनिट डिजिट देखना यानी इकाई का अंक देखना है। तो यहां पर इकाई का अंक 9 है, यहां पर इकाई का अंक 9 है। अब देखना है कि किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 9 आता है। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या फिर यूनिट डिजिट 7 है तो उनका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो इसका मतलब 1369 का जो वर्गमूल निकलेगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब हम इसमें 11 से निपटते हैं। 11 से निपटने के लिए क्या करेंगे कि 11 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 11 से एकदम जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 11 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 9। 11 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 होता है। 11 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9। अब 9 का हम वर्गमूल निकाल लिए, 3 आ गया। तो इसका मतलब कि 3 हम यहां लिख दिए, 3 यहां लिख दिए, या तो ये 33 का वर्ग है या तो ये 37 का वर्ग है, या तो ये 33 का वर्ग है 1369 या तो 37 का वर्ग है। लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये किसका वर्ग है। तो कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे कि 3 से जस्ट अगली संख्या, 3 से जस्ट अगली संख्या से गुणा कर देंगे। 3 से जस्ट अगली संख्या से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12। इतना हो जाएगा दोस्तों 3 चौको 12। अब 3 चौको 12 जो आ जाएगा, 12 की तुलना करेंगे जो अंडर रूट के अंदर संख्या 11 बंद है, जो अंडर रूट के अंदर संख्या 11 बंद है उसकी तुलना इस गुणनफल 12 से करेंगे। तो अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या बड़ी, अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या बड़ी तो बड़ा वाला नंबर होगा, और अगर छोटी तो छोटा वाला नंबर होगा। तो 12 और यहां पर है 11, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर वाली संख्या खोपचे वाली संख्या जो है बड़ी है। तो इसका मतलब कि यहां पर बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 37। तो अंडर रूट 1369 का मान आ जाएगा 37। उम्मीद है कि दोस्तों आप एकदम टॉपिक वाइज बढ़िया से क्लियर कर रहे होंगे डाउट्स को। और अब हम आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। के बाद लेते हैं 2209 को। 2200 अंडर रूट में 2209 को पहले बंद कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? फिर वही पुराना मैथड, क्या करेंगे? पीछे से दो अंक को पकड़ेंगे, पीछे से दो अंक को
पकड़ लेंगे। दो अंकों को पकड़ने के बाद देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। तो इसमें यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। अब देखना यह है कि किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट 9 प्राप्त होगा। तो यहां पर 3 का स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या फिर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है और उनका हमने स्क्वायर किया तो जो स्क्वायर प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो इसका मतलब 2209 का जो वर्गमूल निकलेगा उसका यूनिट डिजिट 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 22 से निपटेंगे। अब हमें इसके बाद 22 से निपटना है। 22 से निपटने के लिए क्या करेंगे कि 22 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, 22 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। 22 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 16। 22 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 होता है। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4। 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये या तो 2243 का स्क्वायर है या तो ये 2247 का स्क्वायर है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि ये 2243 का स्क्वायर है कि 47 का स्क्वायर है। कंफर्मेशन करने के लिए क्या करेंगे, 4 से जस्ट अगली संख्या, 4 से जस्ट अगली संख्या से गुणा कर देंगे 4 में। तो 4 की अगली संख्या हो जाएगी 5, 4 5 20। तो 20 की तुलना करेंगे हम जो अंदर अंडर रूट में संख्या बंद है, जो अंदर अंडर रूट में संख्या बंद है उसकी तुलना गुणनफल से करेंगे। तो अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या ज्यादा, अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या ज्यादा तो ज्यादा वाला नंबर, और अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या कम तो कम वाला नंबर यानी छोटा नंबर। तो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या ज्यादा है तो बड़ा वाला नंबर होगा, यानी कि अंडर रूट 2209 का वर्गमूल आ जाएगा 47। अंडर रूट 2209 का वर्गमूल आ जाएगा 47। अब देखते हैं अगला एग्जांपल लेते हैं, 16129 काफी बड़ा नंबर है। इस तरह के नंबर्स अगर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो लड़का देख के डर जाता है, कहता है कि बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे दिया है परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो देखते हैं कि कैसे हम विदिन सेकंड आसानी से 16129 हो या कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना भी बड़ा हो उसका स्क्वायर रूट कैसे विदिन सेकंड आसानी से निकाल लेंगे। सोलह हजार एक सौ उनतीस का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पीछे से दो अंक पकड़ने के बाद यूनिट डिजिट पे अगला स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। तो यूनिट डिजिट इसमें 9 है। अब देखना यह है कि किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आता है। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या फिर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है तो उनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। तो या तो ये जो 16129 है इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब हमें किससे निपटना है, 161 से। किससे निपटना है, 161 से। 161 से निपटने के लिए हम क्या करेंगे, 161 से जस्ट पीछे का यानी 161 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, 161 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। तो 161 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 144। 161 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 144 है। तो यहां पर 144 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो 12 यहां लिख देंगे और 12 यहां लिख देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो 16129 123 का स्क्वायर है या तो 16129 127 का स्क्वायर है, लेकिन अभी हमें यह कंफर्म नहीं है कि यह किसका स्क्वायर है। कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, जो ये गुणनफल प्राप्त होता है इससे जस्ट अगली संख्या से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 गुणे 11 कर देंगे, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 कम 13 2 15, कितना आया, 156।
अब 156 की तुलना करेंगे जो अंडर रूट के अंदर संख्या बंद है, दो अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची है अंडर रूट के अंदर उससे तुलना करेंगे। अंडर रूट के अंदर वाली संख्या ज्यादा तो बड़ा वाला नंबर, और अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या छोटी तो छोटा वाला नंबर। तो गुणनफल से अंडर रूट के अंदर वाली संख्या ज्यादा तो इसमें बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। तो अंडर रूट 161.29 यानी 16129 का मान आ जाएगा 127। कितना आ जाएगा? 127। उम्मीद है कि आप लोग टॉपिक वाइज एकदम बढ़िया से डाउट क्लियर कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अब देखते हैं अगला नंबर है 4489 का, कि 4489 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो 4489 को क्या करेंगे कि पहले इसमें बंद कर देंगे अंडर रूट में। अब फिर वही पुराना कार्यक्रम, पीछे से दो अंक पकड़ना है, पीछे से दो अंक पकड़ना है। पीछे से दो अंक पकड़ने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट इसमें 9 है, तो अब यह देखना है कि किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आती है। तो किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 3 है और यूनिट डिजिट 7 है तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो इसका मतलब जो 4489 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकलेगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। उस संख्या का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब हमें 44 से निपटना है। 44 से निपटने के लिए हम क्या करेंगे कि 44 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। 44 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 44 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 36। 44 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 है। तो यहां पर 36 लिख देंगे और 36 का वर्गमूल निकालेंगे। 36 का वर्गमूल होगा 6। 36 का वर्गमूल 6 होगा। तो इसका मतलब कि ये जो 4489 है या तो 63 का वर्ग है और या तो 67 का वर्ग है। इसका किसका वर्ग होगा? या तो 63 का वर्ग होगा या तो 67 का वर्ग होगा। लेकिन अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये किसका वर्ग होगा। कंफर्म करने के लिए जो 6 निकला है 6 से अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 7 आ जाएगा 42। अब देखना है कि 44 से 42 ज्यादा है कि कम है। तो 44 जो है 42 से अधिक है। तो कुल मिला के हमें तुलना किससे करना है? तुलना करना है जो अंडर रूट के अंदर दो संख्या बची है, 44 दो अंक की संख्या जो अंडर रूट के अंदर बची है उससे तुलना करना है। अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या ज्यादा तो बड़ा वाला नंबर माना जाएगा, और अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या छोटी तो छोटा वाला नंबर होगा। तो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या इस गुणनफल से बड़ी है तो बड़ा वाला नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? बड़ा वाला नंबर होगा। तो इसका मतलब 4489 का वर्गमूल आ जाएगा 67। 4489 का वर्गमूल 67 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग हमारी स्ट्रिप को एकदम बढ़िया से डाइजेस्ट कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस ट्रिक को सीख लेंगे एकदम बढ़िया से पचा जाइए इस ट्रिक को, और इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बगल वाला जो होगा वो बड़ा बड़ा स्क्वायर नंबर देख के रो रहा होगा, कहेगा कि ये कितना बड़ा दे दिया, बहुत कैलकुलेटिव हो पेपर। और वहीं आप बगल में बैठे मुस्कुरा रहे होंगे और क्वेश्चन को उड़ा रहे होंगे। अगर